हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 24 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और 2 दिनों का करंट अफेयर, जैसे मैंने पहले बताया था कि दो दो दिन करके हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो वो करंट अफेयर्स। और आज के वीडियो की स्पेशल थिंग ये है कि हम इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछेंगे जो आपकी तैयारी से रिलेटेड है, और एक अनाउंसमेंट भी करेंगे। तो काइंडली वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आज तैयार रहें, हाफ मंथली करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये कब मनाते हैं, और यूएन पब्लिक सर्विस डे, दो दिवस हो गया। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे भी मनाते हैं और इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये दोनों दिवस मनाते हैं कब, 23 जून को, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ ही याद कर लो, 23 जून। अगला है टोक्यो ओलंपिक में, ये टोक्यो लिख दिया है, टोक्यो ओलंपिक में 2020 की महिला हॉकी टीम का कप्तान किसको नियुक्त किया गया है, तो ये टोक्यो ओलंपिक में रानी रामपाल को महिला हॉकी टीम का कैप्टन नियुक्त किया गया। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि उस पर मिलेगा आपको, रानी रामपाल के बाद तजिंदर सिंह पाल जो कि गोला फेंक से संबंधित है, इनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो आपको इसमें एक ही चीज़ याद रखना है, तजिंदर पाल सिंह, तजिंदर पाल सिंह, ठीक है, ये गोला फेंक से संबंध रखते हैं। 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है, मोस्ट एफडीआई गेनर कंट्री इन 2020, तो ये सबसे ज़्यादा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये मिला है अमेरिका को। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री विश्वास स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम, और यहाँ की जो करेंसी है वो कौन सी है, स्वीडिश क्रोन। और यहीं पे एक संस्था है सिप्री जो कि रिपोर्ट प्रस्तुत करती है पूरे विश्व में कि कौन से देश कितने हथियार खरीदते हैं, बेचते हैं, कौन कौन से उनके पास हथियार है, चाहे वो परमाणु हथियार हो या जैविक हथियार हो, ठीक है। तो ये स्वीडन हो गया, इसकी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव से ये हार गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सिल्वर लाइन योजना या सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य ने शुरू की है, तो सिल्वर लाइन स्कीम शुरू किया गया केरल सरकार के द्वारा, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री थे। हाल ही में किसने, अब तो मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं क्या, आप हमें कमेंट करके बताइए, केरल के नए मुख्यमंत्री अगर चेंज हो गए हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाल ही में किसने चुनाव के बाद हिंसा को देखते हुए 7 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की है, तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की घोषणा की गई थी एक एक्ट के द्वारा, एनएचआरसी एक एक्ट आया था, तो आपको 1993 याद रखना है। और उसके बाद स्टेट हाई ह्यूमन राइट कमीशन भी होता है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य ने शुरू किया, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ये बिहार के राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। रघुराम राजन को किस राज्य की आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है, रघुराम राजन जो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, इन्हें तमिलनाडु आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। अगर आपको पीडीएफ मिल जाता है, पीडीएफ जो कि मिल ही जाएगा आपको, तो उसको रिवीजन करना ना भूलें क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द नटमेग्स कर्स पैराबल्स ऑफ अल्फाबेट इन क्राइसिस, ये देखिए बुक का नाम है इतना बड़ा, कर्स पैराबल्स ऑफ अल्फाबेट इन क्राइसिस, ये बुक ऑथर हैं अमिताभ घोष, ठीक है, ये अमिताभ घोष इसके ऑथर हैं। किस राज्य ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग फ्लाइट क्लब खोलने की घोषणा की है, तो ये हरियाणा ने मिल्खा सिंह के नाम पे पैराग्लाइडिंग फ्लाइट क्लब खोलने की घोषणा की है, ठीक है, मिल्खा सिंह के नाम पे हरियाणा ने। और हेमिस लेसेचू उत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया लद्दाख में, हेमिस लेसेचू उत्सव, हेमिस नामी है, हेमिस हाई नेशनल पार्क वहीं पर है जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में, तो ये हेमिस लेसेचू उत्सव यहीं पे है। तो यहाँ पे जो है WHO की बात हो रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के सहयोग से
सॉरी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सहयोग से भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया योग समर्पित मोबाइल ऐप, तो ये है एम योग जो है ये योग समर्पित मोबाइल ऐप है। तो आज क्वेश्चन तो इतना ही है, केरला के CM और गवर्नर को आपको कमेंट करके बनाना है। आज मैं दो सवाल आपको, एक तो अनाउंस करूँगा और एक पूछूँगा। जो ये करेंट अफेयर्स का सीरीज है इसमें GK GS का अब विस्तृत रिवीजन कराया जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, एग्ज़ाम अब होने वाले हैं। तो वो करेंट अफेयर्स क्या 20 मिनट से ऊपर रखा जाए या 20 मिनट के नीचे, पहली चीज़ तो आप ये कमेंट करके हमें बताओगे। आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, अगर हम पे व्हाट्सएप से जुड़े हो तो वहाँ से बता सकते हो। और अब 499 का जो हमारा GK GS का कोर्स चल रहा था उसके अलावे अब रीजनिंग की क्लास जुलाई महीने से शुरू की जाएगी, यानी 1 जुलाई से। तो रीजनिंग की जो क्लास शुरू की जाएगी 1 जुलाई से, उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको अनाउंस किया जाएगा और बहुत ही कम फ़ी रखा जाएगा जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए, यानी कि जो GK GS में एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए ये और कम रहेगा, ऑलमोस्ट हाफ रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 499 में GK GS में एडमिशन अगर आप ले लेते हैं फिर रीजनिंग में लेते हैं तो कम पड़ेगा, और सिर्फ रीजनिंग में लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, रीजनिंग की फ़ी बहुत ही कम रखी गई है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, क्या करेंट अफेयर्स को विस्तृत रिवीजन के लिए 20 मिनट से ऊपर रखा जाए या 20 मिनट से नीचे रखा जाए। बहुत ही शॉर्ट बनाने का उद्देश्य यही था कि आप टाइम निकाल के वीडियो लास्ट तक देखें और इस क्वेश्चन का आंसर करें। अब देख लेते हैं कुछ कुछ राज्यों के स्पेशल फैक्ट्स, जैसे बिहार के बारे में बातें हो रही हैं तो इसका देख लेते हैं। तो यहाँ बिहार में इलेक्शन जैसे हुए थे तो उसके बाद भी नीतीश कुमार का चुनाव हुआ था CM, गवर्नर है फागू चौहान। इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है 22 मार्च को, यानी 22 मार्च को यह स्थापित हुआ था, 22 मार्च 1912 को ये एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। पड़ोसी राज्य में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल, आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये है बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल और इधर वेस्ट बंगाल। देखना है आपको विधानसभा सीट 243, राज्यसभा सीट 16 और लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो वो कितना है यहाँ पे 40। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ महाबोधि का मंदिर है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सोनपुर का अंतर्राष्ट्रीय मेला, नालंदा महाविहार है, नालंदा विश्वविद्यालय, सबसे ऊँचा बौद्ध स्तूप पूर्वी चंपारण में, राजगीर स्थित गर्म जल का कुंड, अशोक का भी स्तंभ है यहाँ पे नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में, रोहतास का किला सासाराम जो कि किस शासक से संबंधित है रोहतास, बौद्ध विहार बिहार शरीफ, बुद्ध स्मृति पार्क गोलघर पटना, हरमंदिर साहब पटना। लोक संगीत आप यहाँ देख लीजिए, चैती, कजरी, होली, नचारी, ये बहुत पूछा गया है, कथ, घोरवा, जोगीड़ा, झिझिया, धोबिया, ये सब यहाँ का लोक नृत्य है, विदेशिया, जाट जाटिन, समा चकवा, कीर्तनिया, डोमकच, ये सब यहाँ के लोकनाट्य। माउंटेन में बात करेंगे तो छोटा नागपुर पठार यहाँ पे है, रिवर्स तो सरयू गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, मैक्सिमम नदियाँ कहाँ से आती हैं, नेपाल से आती हैं। प्रमुख परियोजना में जल जीवन हरियाली योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, कृषि इनपुट अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, वंडर ऐप, ठीक है, मत्स्य संपदा योजना। और राजगीर में फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया था, 15 ईयर ओल्ड जितने भी गवर्नमेंट व्हीकल हैं सबको बंद कर दिया गया और वंडर ऐप हेल्थ ऐप जो था वो लॉन्च किया गया था, और दिव्यांगों को 50 किलोमीटर निःशुल्क यात्रा का सुविधा दिया गया था। दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो आज हम लोग पढ़े हैं ये भी बिहार सरकार ने शुरू किया गया है। तो जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे उसे काइंडली जवाब दें, आज का कमेंट यही करना है। तो कल से हम लोग बृहद तरीके से और पढ़ेंगे और मंथली करेंट